हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मल्टीपल टॉपिक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। अगर बात करें तो मल्टीपल स्टॉक्स से रिलेटेड बात हो जाएगी। कुछ ब्रेकिंग मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई ड्यूरिंग द डे, जो न्यूज़ आई है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आइए जानते हैं उसका इफेक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे पड़ेगा या नहीं, हमारे पास शेयर है या नहीं, या जिसके पास भी वो शेयर होगा क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उससे रिलेटेड बातें यहाँ पर होगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज कल की डेट में यहाँ पर 3-4 वीडियो डाली गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर वन फोर के रिजल्ट से रिलेटेड अच्छे खासे आज शेयर भागते हुए नजर आए। कुछ स्टॉक्स में कॉर्पोरेट एक्शन था तो वो भी भागते हुए नजर आए हैं। बाकी 8 स्टॉक ऐसे बताए थे जो कि नो रिस्क ओनली रिवॉर्ड के पॉइंट से थे, और अगर बात करें थी 3 मंथ्स के अंदर अंदर 10-20% के आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग या कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से आप इसे ले सकते हैं, और आज की डेट में भी अच्छे भाव पर ये शेयर मिल रहे थे, तो आप इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। बाकी अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। बाकी अपने आसपास के लोगों की हेल्प जरूर करें, क्योंकि कोविड की सिचुएशन एंड एवरीवन नीड्स हेल्प फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप से मदद करना चाहते हैं तो पीएम केयर फंड में यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट ले जाएगा, तो आप यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो एक एक करके हम न्यूज़ को कवर अप करते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स शेयर्स, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी दोनों शेयर से रिलेटेड बातें हो रही है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर देखिए, अगर बात करें काफ़ी टाइम से लगातार ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा था, फिर एक साथ यहाँ पर पीक पकड़ना शुरू कर दिया। और आज की बात करें टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी से रिलेटेड, तो यहाँ पर इन दो कंपनी ने अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनोवेटिव वारंटी स्कीम टू ब्रिंग बायर्स बैक टू द शोरूम्स, मतलब इन्होंने एक स्कीम निकाली है। तो स्कीम क्या है तो बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप जो सर्विस कराते हैं ओके, उसके फ्री वारंटी सर्विस यहाँ पर दी जा रही है, और वो भी कब तक अगर बात किया है 30 जून तक ओके, 30 जून तक आप उस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी फ्री में यहाँ पर सर्विसेज होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये कुछ न्यूज़ थी जिसके देखते हुए आज की डेट में यहाँ पर ये फ्लैट बंद होता हुआ भी नजर आया ये शेयर। एक ये न्यूज़ थी। मारुति सुजुकी पे बड़ी नज़र रखना, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो भी कंसोलिडेट कर रहा है शेयर, और अब भागने को तैयार है वो भी। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और न्यूज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर टी, तो टी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो एक न्यूज़ है कि ब्राज़ील में जो शुगर है, काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ मार्केट में चल रही है, जिस वजह से शुगर के जो शेयर्स है वो भाग रहे हैं। एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर टी पे भी हैम्पर हुआ है, टी के शेयर्स भी यहाँ पर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ जो शेयर्स है अगर बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफ़ी, यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर प्राइस है। तो यहाँ पर इन शेयरों को आपको एक बार चेक करना अपने हिसाब से ओके, स्क्रीन पे जाके अपने हिसाब से चेक करना कि इनका चार्ट पैटर्न ठीक है या नहीं। तो इस हिसाब से आप 2-3 शेयर में यहाँ पर एकुमुलेट कर सकते हैं। अगर बात की जाए टाटा कॉफ़ी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। तो उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर एक CCL प्रोडक्ट भी है, वहाँ पर वो भी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। तो यहाँ पर इन शेयरों की तरफ ध्यान देना। तो ये एक न्यूज़ थी। इसके अलावा जो ब्राज़ील, यहाँ देख सकते हैं ग्लोबल शुगर शॉर्टेज कुड गेट वर्स एज ब्राज़ीलियन ड्राइव अगेन ओके। तो ब्राज़ीलियन की आई थिंक वहाँ पर फसल में कुछ हैम्पर हुआ है। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर शुगर के रेट जो भागते जा रहे हैं। और अभी शुगर के रेट के साथ साथ अगर बात की जाए तो देखिए, अभी यहाँ पर जो इथेनॉल जो कंपनीज बनाती है, जैसे AID पैरी हो गई और बहुत सारी जो कंपनीज हो गई, तो वो भी साथ में भाग रही है। बट अभी शुगर के प्राइस ओरिजिनली बढ़े नहीं है, आगे चल के कुछ टाइम बाद शुगर के प्राइस शायद बढ़ सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देके ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर धीरे अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स हो उधर की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। और छोटे मोटे शेयर्स में बिल्कुल मत फंसिएगा, वहाँ पर ऑपरेटर ज़्यादा हावी रहते हैं। अगर बात करूँ, मैंने बलरामपुर चीनी के यहाँ पर फंडामेंटल्स देखे थे, तो इसके फंडामेंटल्स मुझे थोड़े बहुत अच्छे लगे थे, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं बलरामपुर चीनी के साथ। बाकी आप खुद भी स्टडी कर लीजिएगा, मैंने अभी इस सारे शुगर के ऊपर देखा नहीं था, तो एक बार आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर स्टडी करके इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू रख के या फिर शॉर्ट टर्म का व्यू भी रखे तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। बट ये सब कुछ आपकी रिस्क पे डिपेंड होगा। एज वेल एज अगर बात करें, आप मेरी कोई रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लीजिएगा।
इसके अलावा आज की डेट में देखिए कुछ स्टॉक्स हैं जो भागते हुए नजर आए जस्ट बिकॉज ऑफ वन न्यूज़। क्या थी कि जो PLI स्कीम है हार्डवेयर से रिलेटेड, अगर बात की जाए यहाँ पर जो चिप इंपोर्ट करती है कंपनीज, ओके उस पर ड्यूटी बढ़ा दी है, बाकी जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी या हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी काम करेगी वहाँ पर PLI स्कीम ऑलरेडी, यहाँ पर अगर बात किया कुछ टाइम पहले बताया गया था 12,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर PLI स्कीम दी जा रही है, तो उसी को देखते हुए वो शेयर आज की डेट में रिएक्ट करते हुए नजर आए। तो आप उन शेयरों की तरफ नजरें बना के रह सकते हैं, और कौन कौन से शेयर हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और अगर हम यहां पर बात करें यहां पर देख सकते हैं PLI स्कीम्स, तो ये शेयर भागते हुए नजर आए थे। अगर बात करें ये शेयर में कौन कौन है, HFCL जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड काम करता हुआ नजर आता है, यहां पर आप देख सकते हैं आज के दिन 7.10% यहां पर भागता हुआ नजर आया। इसके अलावा ITI लिमिटेड, यहां पर ये देख लीजिए 4.0, ये भी हार्डवेयर से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड। इसके अलावा बात करें D-Link, ओके आपको पता ही है D-Link के आपके पास मॉडम या फिर बात की जाए वाईफाई राउटर यहां पर आपके घरों में नजर आते हैं, तो इसकी तरफ नजर दे सकते हैं। बाकी इसके ऊपर अच्छा खासा नजर दे सकते हैं तेजस नेटवर्क, यहाँ पर विजय केडिया सर की भी काफी सारी होल्डिंग है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। और बाकी अगर बात करें 6 months पहले ये शेयर लगभग 218 या 220 के आसपास चलता था, उसके बाद ये गिर चुका है लगभग 20% नीचे है, तो इस न्यूज के बाद आज के दिन तो गिरता हुआ नजर आया बट ये दोबारा भागता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज है, जैसे बात की जाए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ओके अनिल अग्रवाल जी अगर बात करें यहाँ पर इनके फाउंडर है, तो अगर कौन है अनिल बार तो जिनकी वेदांता कंपनी है वो ही है, तो ये थोड़ा सा इस शेयर की तरफ आप देख सकते हैं अच्छा खासा चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। इसके अलावा और भी बात करें तो भेल हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यहाँ पर ये PLI स्कीम से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अलग एक स्टॉक है भेल। तो देखिए काफ़ी टाइम से ये स्टॉक भागे आ रहा है और क्वेरीज भी आ रही है मेरे पास कि ये स्टॉक में कोई ऑपरेटर तो नहीं है, कि ऑपरेटर वगैरह तो कोई है भावी नहीं है, बट अगर बात करूँ मैं पर्सनली गवर्नमेंट कंपनी में पैसा लगाना पसंद नहीं करता, तो आपको बताना चाहता हूँ मैं क्या अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर गवर्नमेंट में पैसा, और जो भी लॉन्ग टर्म के व्यू रखते हैं ना वो तो ऑब्वियसली बात है ऐसी रैली को कैच करते नहीं है, बट अगर बात करें वन मंथ में आई थिंक 62% के रिटर्न इस कंपनी ने आपको बेल ने देते हुए नजर आए हैं। तो यहां पर जब तक रैली चल रही है आप बने रह सकते हैं जिसके पास शेयर है, और नए इन्वेस्टर ज्यादा ना फंसे तो ठीक है, थोड़े बहुत रिटर्न जो आपको अच्छे खासे अपने शेयर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में मिल रहे हैं उसी में खुश रहना सीखो, और धीरे धीरे अपनी बस ज्ञान को बढ़ाओ, जैसे जैसे बढ़ेगा और कंपाउंडिंग होती जाएगी तो आप फील करोगे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा क्या अमाउंट होती है, ओके जो कंपाउंडिंग से जो आपको पैसा मिलता हुआ नजर आएगा उसे फील कर पाओगे, फिर आपको चल पाया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा होता है। बट अगर बात करूं बेल की, जब तक रैली चल रही है एंजॉय करिए, बट अगर एक बार गिरना शुरू हुआ तो उस टाइम निकलना भी यहां पर बनता है आपका, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे प्रॉफिट को बांधे, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ये बेल सेल ये जितने भी गेल ये सारे शेयर इस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ थी जिससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता था, टाटा मोटर्स से रिलेटेड, इसके अलावा शुगर से रिलेटेड, टाटा कॉफ़ी से रिलेटेड, PLI स्कीम से रिलेटेड, और कुछ स्टॉक्स PLI स्कीम के जो अच्छे अच्छे आपको रिटर्न दे सकते हैं, तो उन शेयर की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास डेली बेसिस पे आते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।